स्मर्फिंग एक प्रकार होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। स्मर्फिंग का मतलब होता है बड़े अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके विभिन्न बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। इसका फायदा यह होता है कि फ्रॉड किए गए मनी को अगर एक साथ कहीं पर डालेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों या सरकार के नज़र में आ सकती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इसे पकड़ा जाना बहुत हद तक संभव होता है। लेकिन उस फ्रॉड किए गए बड़े अमाउंट को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सैकड़ों बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं तो फिर उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह पैसा एक बार दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है तो फिर वह इस फाइनेंशियल सिस्टम में लगातार एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मनी लॉन्डरर, फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स के लिए स्मर्फिंग जो है वह एक बहुत ही फायदेमंद प्रक्रिया है, जहां पर वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों या गवर्नमेंट के नज़र से बहुत हद तक अपने आप को बचा पाते हैं। स्मर्फिंग के बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मर्फिंग प्रक्रिया का ही इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है, जिसके कारण आप मनी म्यूल जैसे झंझट में फंस जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक फ्रॉडस्टर या स्कैमर है, वह एक ऑनलाइन फ्रॉड करता है। वह फ्रॉड 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितने भी अमाउंट का हो सकता है। फ्रॉड करने के बाद उस पैसे को फ्रॉडस्टर स्कैमर्स ने एक ऐसे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जो कि फ्रॉड का है या फिर इलीगल एक्टिविटी के लिए खरीदा गया है। अब जो भी व्यक्ति गेम में अमाउंट जीत रहे हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं तो यही फ्रॉड अमाउंट जो है वह उनके बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब डेफिनेटली पूरा का पूरा पैसा एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में तो शिफ्ट नहीं होता है। जिस गेम में भी इन फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स ने उस पैसे को डाला है या इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर गेम खेलने वाले सैकड़ों व्यक्ति हैं और हजार रुपये से लेके 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 रुपये के बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि पैसा विड्रॉ किया जाता है अलग अलग बैंक अकाउंट्स में। जैसे ही ये विड्रॉ मारते हैं उस फ्रॉड अमाउंट के सारे पैसे फ्रैक्शन में बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन सारे व्यक्तियों के जीते हुए रकम के रूप में। इसी प्रकार से P2P फ्रॉड लोन ऐप या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भी होता है, जहां छोटे छोटे फ्रैक्शंस में आपके बैंक अकाउंट में वह फ्रॉड अमाउंट भेज दिया जाता है। सारे पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इस प्रकार रोटेट किया जाता है कि जनरली उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उस पैसे को फाइनली एक वैध पैसे के रूप में निकाल लिया जाता है, एक लीगल मनी के रूप में उस सिस्टम से निकाल लिया जाता है या देश से बाहर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन स्मर्फिंग टेक्निक का यूज़ होता है ताकि एक बड़े इलीगल फंड को इधर से उधर करने के बजाय उसे इतने छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करके आप फाइनेंशियल सिस्टम में डालो कि आप आसानी से सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के आंखों में धूल झोंक सको। और एग्जैक्टली यही कारण है कि गेमिंग से पैसा आने के कारण, P2P से पैसा आने के कारण, फ्रॉड लोन से पैसा आने के कारण, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है वह एक इलीगल फंड होता है, वह एक इलीगल मनी होता है और कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने मनी म्यूल का हिस्सा बन जाते हो, जिसके कारण बैंक जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है।